सकता है कि हमें देखने को मिले, बट गॉड लाइक स्क्वाड जहां पे जा रही है हैदराबाद हाइड्रास की स्क्वाड, वहां से पहले ही उनका इंतजार करते हुए आपको दिखाई देगी। न्यू पे यहां पे काफी ज्यादा डैमेज दिया गया और अपने आप को शायद बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ग्रेनेड आया था और अपने ही प्लेयर को उन्होंने खत्म करा था। कुछ ही क्षणों में खत्म हो चुकी है, बट ये जो एंट्री ली थी यहाँ पर हैदराबाद हाइड्रास ने, एक के बाद एक फाइट ले रहे, बट फाइनली कंफर्मेशन उनकी तरफ से आते हुए गॉडलाइक को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ हैदराबाद हाइड्रास। लेट्स गेमिंग का सफर होता है यहीं पर समाप्त, सातवें स्थान पर नौ फिनिश जाते हुए टीएसएन के फेवर में। बात करें निंजा जॉट की तरफ जाना चाहेंगे, जोन से ज्यादा दूर है नहीं, बट अगर हम जोन की बात करें गॉडलाइक अभी भी यहाँ पर जोन के अंदर आने की कोशिश करिए। अब उनके सामने फिर से आ चुके हैदराबाद हाइड्रास, ये दो ऐसी टीम है जो कि एक के बाद एक बहुत करीब आए। ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब गिरा बट स्ट्राइकर भी सर्वाइव कर जाएंगे। जोनाथन यहाँ पर स्प्रे होकर रुक नहीं रहा है, और जोनाथन ग्रेनेड एंड कैरी यहाँ पर डाउन होते हुए इविल सोरेन स्ट्राइकर, दोनों की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। जी गॉर्डन जोनाथन 2v2 की सिचुएशन में भी आ चुके, क्या उनके पास एक और ग्रेनेड यहाँ पर बचा हुआ है? क्योंकि अगर एक और ग्रेनेड आता है तो यहाँ पर हैदराबाद हाइड्रास की दिक्कतें बढ़ेंगी। जी हाँ बिल्कुल, कैसे बच गए हैं अभी के लिए, बट जोनाथन का स्प्रे वो भी बात हो रही खबर है। एक और ग्रेनेड आता है, कितने ग्रेनेड्स लेके यहाँ पर जोनाथन आए हुए हैं। साथ साथ हैदराबाद हाइड्रास खत्म होती हुई, गॉड लाइक जोनाथन यहाँ पर करते हैं 1v2, जी गॉड निकालते हैं आखिरी किल, एंड इसी के साथ साथ टॉप 4 टीम हमें मिलती हुई। अच्छे खासे नंबर्स हैं, पंक अपने हाई ग्राउंड का पूरा फायदा उठाया, दो प्लेयर्स को कंफर्म किया, अब यहाँ पर जोन के अंदर आना शुरू हो चुके हैं अपनी टीम के साथ रीग्रुप करते हुए। जी गॉड वहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत में नजर आ रहे हैं, मैडमैन की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, बट जोनाथन वहाँ पर जलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए हील जो है वो करना पड़ेगा, जी गॉड भी पीछे की तरफ गए, अगर सीजी की 7 की तरफ से एक ग्रेनेड आता दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैडमैन वहाँ पर जोनाथन के ऊपर नॉक निकालते हुए, जी गॉड अभी के लिए 1v1 के सिचुएशन में, एंड यहाँ पर डाउन भी करते हैं कंफर्मेशन निकालते हुए। एक जो फिनिश है वो जरूर कंफर्म किया, बट यहाँ पर मार्कोस गेमिंग फाइनली फाइट में आते हुए कोशिश कर रहे हैं। इमॉर्टल उनकी भी एचपी काफी ज्यादा डाउन है, बट सीजी 7 को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे डाउन ना हो। चलिए इमॉर्टल भी सीजी 7 के द्वारा डाउन किए गए, और इसी के साथ मुझे लगता है लगभग 8 फिनिशेस के साथ सीजी 7 इस मैच में बनने वाला।